जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 5 और एनसीईआरटी बुक का ये सांतत्य तथा अवकलनीयता वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका प्रश्नावली 5.1 है और प्रश्नावली 5.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग देखें। दिया हुआ है फलन यफ के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां यफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। सांतत्य पर विचार करना है और आपको बताना है कि फलन सतत है या नहीं है। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर कितने बिंदु हैं, कितने पॉइंट हैं। देखिए, यहाँ यक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है, यक्स की वैल्यू 1 के इक्वल है, यहाँ एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल है, यहाँ एक्स की वैल्यू 10 के इक्वल है। तो यक्स के जितनी वैल्यूज हैं ना, सभी वैल्यूज को हम लोगों को देखना होगा कि फलन सतत है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यक्स इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक्स इज इक्वल टू 0 पर फिर देखें, ये हो जाएगा लिमिट। लेकिन हम लोग सबसे पहले एल एच एल की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे और यहाँ एल एच एल करेंगे। और यहाँ पर एल एच एल के लिए आपको मालूम है एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच करते हैं और एच टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ निकालेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए 0 माइनस एच यानी यक्स की वैल्यू 0 से कम होगी। तो ज़रा देखें, यक्स की वैल्यू 0 से कम होगी। यहाँ पर कोई ऐसा केस आ रहा है जिसमें यक्स की वैल्यू 0 से कम है। ध्यान दीजिए, ऐसा कोई केस नहीं आ रहा है जहाँ यक्स का मान 0 से कम है। यहाँ पर यक्स का मान 0 से अधिक है, यहाँ पर यक्स का मान 1 से अधिक है, 3 से कम है। तो अब जो है यहाँ पर 0 पे दिखा पाना संभव नहीं है। 0 प्लस वाला तो हो जाएगा, यानी राइट की लिमिट तो निकल जाएगी लेकिन लेफ्ट की लिमिट नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर न करके हम x इज इक्वल टू 1 पर ही करेंगे। तो चलिए x इज इक्वल टू 1 पर, फिर x इज इक्वल टू 1 पर हम करेंगे एल एच एल निकालेंगे। तो फिर ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 माइनस h और h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब ज़रा देखें तो 1 माइनस h यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, 1 से कम, x की वैल्यू 1 से कम। तो x की वैल्यू 1 से कम यहाँ है। तो जब x की वैल्यू 1 से कम है तो एफ एक्स की वैल्यू 3 दी गई है, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 3। लेफ्ट की लिमिट 3 हो गई। अब हम राइट की लिमिट निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एच और एच टेंस टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें लिमिट एच टेंस टू 0, देखिए 1 प्लस एच 1 से अधिक, एक्स का मान 1 से अधिक। देखिए यक्स का मान 1 से अधिक यहाँ है। तो जब एक्स का मान 1 से अधिक है तो एफ एक्स की वैल्यू 4 है, यानी यहाँ पर वैल्यू हो गई 4। तो ज़रा देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट की जो लिमिट निकली है वो 3 निकली है और राइट की जो लिमिट निकली है वो 4 निकली है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स इज इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है। अब इसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट होगा हम एक्स इज इक्वल टू 3 पर देखेंगे। तो चलिए ये एक्स इज इक्वल टू 1 पर हो गया। अब एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ से इधर के तरफ
एक्स इजकल टू थ्री पर करते हैं, तो इसके लिए हम जो है यहाँ लेफ्ट की लिमिट निकालेंगे, एल एच एल करेंगे, तो एक्स इजकल टू हो जाएगा थ्री माइनस एच और एच टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर देखें ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, थ्री माइनस एच यानी यक्स की वैल्यू थ्री से कम होगी। तो देखिए यक्स की वैल्यू थ्री से कम कहाँ है, यक्स की वैल्यू थ्री से कम यहाँ है, और एक्स की वैल्यू थ्री से कम होगी तो एफ एक्स की वैल्यू फोर हो जाएगी। तो अब यहाँ यक्स रहता तो यक्स की वैल्यू हम थ्री माइनस एच रखते है ही नहीं है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी फोर, तो लेफ्ट की लिमिट फोर हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर आर एच एल निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x इजकल टू थ्री प्लस एच और h टेंस टू ज़ीरो, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू ज़ीरो थ्री प्लस h यानी x की वैल्यू थ्री से अधिक है, तो x की वैल्यू देखिए x की वैल्यू थ्री से अधिक है, तो जब x की वैल्यू थ्री से अधिक होगी तो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो फाइव आएगी, यानी ये वैल्यू फाइव आ गई। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू थ्री पर, x इक्वल टू थ्री पर ये लेफ्ट की लिमिट जो है फोर आई है और राइट की लिमिट फाइव आई है, तो यहाँ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, यानी x इक्वल टू थ्री पर फलन संतत नहीं है, तो x इक्वल टू वन पर भी संतत नहीं है, x इक्वल टू थ्री पर भी संतत नहीं है। एक चीज और बता दें, x इक्वल टू जीरो पे हम कर रहे थे तो फलन नहीं मिल रहा था, जरा देखें कि x इक्वल टू टेन पर करेंगे तो मिलेगा, तो अगर मिलेगा तो ठीक है। देखिए अब हम x इक्वल टू टेन पर करते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट की लिमिट हम निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा x इक्वल टू टेन माइनस एच और ये हो जाएगा h टेंस टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 10 माइनस एच यानी वैल्यू 10 से कम होगी। देखिए वैल्यू 10 से कम, यक्स की वैल्यू 10 से कम यहाँ है, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 निकल गई, ये हो गया 3। अब अगर हम आर एच एल की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आर एच एल, और आर एच एल में हम लोग एक्स इक्वल टू कर देंगे 10 प्लस एच और एच टेंस टू ज़ीरो कर देंगे। अब आप जरा ये देखिए, चलिए हम लिख भी देते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, अब 10 प्लस यक्स की वैल्यू 10 से अधिक है, यक्स की वैल्यू देखिए यहाँ 10 से अधिक कहीं है, कहीं नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से यहाँ एक्स इजकल टू ज़ीरो पर मान नहीं मिल रहा था, उसी तरह से यक्स इजकल टू 10 पर मान नहीं मिलेगा। तो आप निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उस पर हम नहीं निकाल सकते, और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उस पर भी हम नहीं निकाल सकते, तो ये जो दो पॉइंट है उसी पर निकलेगा, x इक्वल टू वन पर निकलेगा, x इक्वल टू थ्री पर निकलेगा। और x इक्वल टू वन और x इक्वल टू थ्री पर आपने देखा है कि ये फलन संतत्य नहीं है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ ए और बी के मानों को नहीं ज्ञात करना है, ए और बी के बीच संबंध ज्ञात करना है, ए और बी के बीच संबंध। क्वेश्चन आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ ए और बी के बीच संबंध है। तो ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये फलन दिया हुआ है और द्वारा परिभाषित फलन x x इक्वल टू थ्री पर संतत है। तो अगर x इक्वल टू थ्री पर संतत होगा तो लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों की लिमिट इक्वल हो जाएगी। तो चलिए हम x इक्वल टू थ्री पर हम एल एच एल निकालेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू थ्री माइनस h होगा और h टेंस टू ज़ीरो होगा। देखिए लिमिट h टेंस टू ज़ीरो थ्री माइनस h देखें यानी थ्री से कम, तो यक्स की वैल्यू थ्री से कम यहाँ है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो ए एक्स प्लस वन हो जाएगी,
अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो a और x के जगह पे कर देंगे 3 माइनस h प्लस 1। अब हम h के जगह पे जीरो कर देंगे, तो h के जगह पे जीरो कर देंगे तो देखिए 3 माइनस 0 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 3a प्लस 1। लेफ्ट की लिमिट निकल गई। अब हम राइट की लिमिट निकालते हैं और एच एल, और एच एल निकालेंगे तो x इक्वल टू 3 प्लस h और h टेंस टू 0 कर देंगे, तो अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और देखिए 3 प्लस h यानी वैल्यू 3 से अधिक है, तो x की वैल्यू 3 से अधिक यहाँ है तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो बी एक्स प्लस 3 हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 बी एक्स के जगह पे रख देंगे 3 प्लस h प्लस 3 और फिर हम यहाँ पर कर देंगे h के जगह पे 0, तो ये देखिए b 3 प्लस 0 प्लस हो जाएगा 3 यानी ये हो जाएगा 3b प्लस 3। तो यहाँ से आप देख रहे हैं राइट की लिमिट निकल गई। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सतत है, तो जब ये सतत होगा तो इसकी लेफ्ट की लिमिट और राइट की लिमिट दोनों इक्वल होगी, तो यहाँ हम लिख देते हैं एल एच एल इज इक्वल टू और एच एल, तो फिर देखिए क्या होगा, एल एच एल है 3a प्लस 1 और आर एच एल की जो वैल्यू है वो 3b प्लस 3 है, तो अब यहाँ 3a इज इक्वल टू 1 को हम अपोजिट साइड में ले जाएं तो ये 3b प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस 1 यानी 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 3b और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो 3 बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 2 बाई 3। अब 3 से अलग अलग डिवाइड कर दें तो 3 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 2 बाई 3। तो यही a और b के बीच रिलेशन रहा, ए और बी के बीच आपको रिलेशन निकालना था। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है और हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।